वेलकम टू स्कूल ऑफ कंपटीशन। आज हम लोग नवोदय का फर्स्ट क्लास है, उसमें हम लोग बेसिक सीखेंगे। बेसिक फाउंडेशन के लिए उतना ज़रूरी है जितना पिलर मकान के लिए। चलिए देखते हैं पहले ऐड। ऐड मतलब जोड़। देखिए ऐड का क्या है कि हम लोग जब छोटा है तो पहले बेसिक में क्या होता है, 51 प्लस 21 इसको कितना बोलते हैं, तो बोलेंगे 27। इससे थोड़ा आइए तो 3-4 डिजिट का रहता है और उसको बनाना है। कुछ भी लिखिए 4, 8, 6, 6 ऐसा। उसके बाद इसी का थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जाता है, ये ऐड एक लाइन में दिया जाने लगता है, एक एक लाइन में जाएगा। जैसे 2, 3 प्लस 32 तो बोलेंगे 5, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ 55। 3 डिजिट का रहेगा प्लस 2, 4, 6 तो 6, 1, 7, 4, 3, 7 और 2, 2, 4 ठीक है। अब फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो, जैसे 4/8 तो ये 4 क्या है, न्यूमरेटर है। 4 क्या है, न्यूमरेटर है, इसको अंश भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अंश। और 8 क्या है, डिनोमिनेटर है। क्या है, डिनोमिनेटर है, इसको क्या बोलते हैं, हर। अब आगे देखना है, इसका भी ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे 4/2 प्लस 3/3 ये देखिए, अभी हम लोग एलसीएम एचसीएफ नहीं पढ़े हैं तो हम लोग अभी मल्टीप्लाई से ही काम चलाएंगे। इसको देखिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 3 और 4 × 3 प्लस 2 × 3 देखिए 3 × 4 और ये 2 × 3 और नीचे का मल्टीप्लाई 2 × 3 क्या होगा, 4 × 3 = 12 + 6 और 6 कितना हो गया, 18/6 कट जाएगा, कितना बार में, 3 बार में। आगे देखते हैं, जैसे 3/2 + 4/7 तो क्या करेंगे, 3 × 7 = 21 और 2 × 4 = 8 और 7 × 2 = 14 कितना होगा, 29/14 ठीक है। अब आगे देखते हैं ये कब काम आएगा, जब इसका ये कुछ खास क्वेश्चन है, कुछ खास टाइप का। जब डिनोमिनेटर सेम रहेगा ना, जब डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर दीजिए। जैसे 4/7 + 8/7 तो इसमें पूरा करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कब, जब सिर्फ डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो क्या होगा, 8, 4, 12 और डिनोमिनेटर 7। अब एक आता है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जैसे ऐसे रहेगा 3 × 2/4 तो इसको यहाँ से क्या करते हैं, गुना करते हैं और ऊपर को ऐड करते हैं तो कितना होगा, 3 × 4 + 2 3 × 4 = 12 और 2 × 14 और नीचे डिनोमिनेटर को वैसा का वैसा ही ठीक है। अब एक एग्जांपल और देखिए, 2 × 1/7 तो 7 × 2 = 14 और 1 = 15 × 7 ठीक है, 15/7। अब आगे हम लोग देखते हैं डेसिमल का ऐड सब्ट्रैक्ट। फ्रैक्शन का हो गया, एक नॉर्मल हो गया, उसके बाद वन लाइन में जो ऐड देता है वो हो गया, उसके बाद फ्रैक्शन में हो गया, मिक्स फ्रैक्शन में हो गया, अब डेसिमल। देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे थे डेसिमल। डेसिमल को रिप्रेजेंट क्या जैसे करते हैं, डॉट से, जो बिंदु जैसा रहता है ना उसी को बोलते हैं डेसिमल। इसका देखिए, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है और ये एक क्वेश्चन नवोदय में मिलिट्री स्कूल में इसको वेराइटी चेंज करके पूछता ही है, बोर्ड मास को इसको इंक्लूड करके पूछता ही है। जैसे देखिए 0.2 अब देखिए 2 के आगे कोई डिजिट है, बोलिए कोई आगे है, नहीं है, तो इसके बाद हम कितना भी जीरो डाल दें, कितना भी, इसका कोई वैल्यू नहीं है। बात समझ में आया, लेकिन यदि हम ऐसा करके 0.2 लिखे हैं तो ये जीरो का वैल्यू है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 2/10 क्योंकि 0.2 है, पॉइंट को हटाएंगे तो 2/10 लिखेंगे, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 कितना है डिजिट, 2 तो 2 जीरो लगेगा, 2/100 दोनों में है ना अंतर।
एक क्या है, एक को हम पाँच से भाग दे रहे हैं, एक को हम क्या से कर रहे हैं, पचास से भाग दे रहे हैं, दोनों में अंतर है। बात समझ में आया? देखा जाए फर्स्ट क्वेश्चन, 3.2 प्लस 4.2 प्लस 3.7। सेकेंड है 3.207 प्लस 2.07। थर्ड में है 0.121 प्लस 0.231। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, इसको अभी यदि हमको कुछ नहीं आता है तो ऐसा लिखेंगे 4.2 3.7, पॉइंट के जो बाद वाला है उसको एक साथ ऐड करेंगे, 7, 2, 9 और 2, 11 का बाकी रहा 1, 4, 3, 7, 3, 10 और 1, 11 और ये डेसिमल। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका 3.207, ये कितना है 2.07। तो बोलेंगे सर ये तो दो ही डिजिट है, तो अभी हम लोग पढ़े थे ना कि जब डिजिट ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद हम जीरो बना सकते हैं, तो जीरो लगा दिए, कितना हो गया 7, 7, 2.5, 5.277, राइट। इतना समझ में आया? अब हम लोग आगे देखते हैं, ये है 0.121 और 0.231, तो ये 112, 235 और 3.0, इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.352। अब आप लोग के लिए सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट भी ऐसा ही रहेगा, पहले हम लोग बेसिक पढ़ेंगे जो बचपन में पढ़ते हैं, फिर फ्रैक्शन में पढ़ेंगे, उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन में पढ़ेंगे, उसके बाद डेसिमल में पढ़ेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई पढ़ेंगे, फिर मल्टीप्लाई का ट्रिक पढ़ेंगे, फिर डिवाइड पढ़ेंगे, फिर डिवाइड का ट्रिक, उसके बाद फ्रैक्शन का ऐड, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट, ये सब इसी में हो जाएगा, फ्रैक्शन का ऐड, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट इसी में हो जाएगा, लेकिन बाद में फिर एक बार देखेंगे इसको, और उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन का शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे, और ये तकरीबन 7 से 15 दिन आपका क्लास चलेगा, और इसको इग्नोर भी नहीं करना है, मेहनत से सीखिए और भरोसा रखिए पढ़ाई चलते रहेगा। सब्ट्रैक्ट मतलब घटाओ। देखिए इसमें क्या है, पहले हम लोग सिंपल जो पहले छोटा बच्चा रहते थे ना जी, तो बच्चा लोग कैसे करता है, 2, 3, 1 उसमें से घटाइए ना 1, 2, 1, एस एक में से एक गया 0, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, इतना है, फिर देखो 3, 2, 1, 1, 0, 1, कुछ भी लिख लीजिए, 1 में से 1 गया 0, 2, 2, ठीक है। लेकिन ये तो एकदम बच्चा, उससे थोड़ा सा आगे आइए तो ऐसा रहेगा आपके पास 3, 2, 1, यही क्वेश्चन रहेगा और इसको एक लाइन में लिखिएगा, क्वेश्चन यही रहेगा, इसको ऐसा, तो सेम प्रोसीजर है, 1 में से 1 गया 0, 2 और ये 3, 2, 2, 0, ठीक है। अब आगे देखते हैं फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में सेम कॉन्सेप्ट वही रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को ही मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद वहाँ पे प्लस करते थे, यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, 3/4 माइनस 2/4, तो अभी हम बताए थे ना जब डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाला यदि साइन माइनस का है तो माइनस कीजिए, प्लस का है तो प्लस कीजिए, तो 3 में से 2 गया 1/4। अब यदि हमको ऐसा नहीं तो ऐसा देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ कितना आएगा 12, माइनस है 4 × 2 = 8, नीचे 4 × 4 = 16, तो देखिए 12 में से 8 गया कितना बचा 4 और ये 16, तो ये कितना आएगा 1/4, ठीक है। ये अभी एलसीएम हम लोग नहीं पढ़े हैं इसलिए हम अभी ऐसा बता रहे हैं, जब एलसीएम पढ़ लेंगे तो एलसीएम का यूज करेंगे, अभी ये ख़त्म नहीं होता है, इस पर बहुत कहानी है। 2 1/4 माइनस 1 1/3, तो इसको देखो 4 × 2 = 8 और 1 = 9, तो 9/4 माइनस 3 = 4/3, ठीक है। अब सेम चीज़, 9 × 3 = 27, 4 × 4 = 16 और 4 × 3 = 12, कितना हो जाएगा 11/12, ठीक है। ऐसा ही आप लोग को अभी काम चल रहा है, टेलीग्राम में ग्रुप बना देंगे, उस पर आप लोग को ये प्रैक्टिस सेशन भी चलेगा। जो आदमी भरोसा से पढ़ रहे हैं, 1 सब्सक्राइबर हो या 100 सब्सक्राइबर हो, आपका भरोसा कभी टूटने नहीं देंगे और डेली क्लास चलेगा। यदि कभी क्लास नहीं चल पाता है तो कोई बात नहीं, जो पीछे पढ़ा है उसका रिविज़न कीजिए, ठीक है। अब देखिए जो काम हम लोग डेसिमल में करते थे
वैसा यहाँ भी करेंगे। जैसे डेसिमल में क्या करते थे, 3.2 माइनस 1.4, तो क्या करेंगे, इसको और कुछ और बढ़ा देते हैं, तो 3.2 और ये घटाना कितना है 1.412। देखा जाए 3.2 में कितना घटाना है 1.412, तो बोलेंगे सर ये तीन डिजिट है, ये तो यहाँ पे एक ही ना है, तभी बोले थे कि इसके बाद 0 0 लगा दो, इसके पहले कभी मत लगाना, जो लास्ट डिजिट है उसके बाद डेसिमल में, डेसिमल के बाद जो डिजिट लास्ट डिजिट है उसके बाद आप कितना भी जीरो लगाइए उसका कोई वैल्यू नहीं होता, लेकिन डिजिट के पहले जितना भी आप जीरो लगाइएगा उसका वैल्यू होता है। अब देखिए 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 11 में से 4 गया 7 और 2 में से 1 गया 1, ठीक है। मिलते हैं, ऐसा ही प्रैक्टिस करते रहिए, कल का क्लास में मिलते हैं, जय हिंद।